ये बात और मेन कॉन्ट्रैक्टर बाद में उसको क्या कर सकता है इनपुट सर्विस दिखा करके सेट ऑफ ले सकता है टीडीएस पे भी सर्विस टैक्स लगेगा बिकॉज टीडीएस इज डीम टू बी रिसीव इन देंड ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर सो अगेन सर्विस प्रोवाइडर को टीडीएस के ऊपर भी सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा चौथा वाला वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आई सेड यू उसेंड सेवन इशूड ऑन ट्वेंटी सेकंड मे टू थाउजेंड से क्या बोला है दिया रहेगा अभी लिख लो

रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो उसका क्या मिलेगा डिडक्शन लेकिन जनरली कुछ लोग प्रॉपर्टी टैक्स कुछ समय बाद पे करते सो इनिशियली ओके सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट कुछ अमन से क्वेरी है सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस एक्सेस सर्विस टैक्स पेड करेक्ट ओके एक्सेस सर्विस टैक्स अगर आप पे करते हो किसी भी कारण से आपने ज्यादा पे कर दिया तो आप उसको आपकी फ़्यूचर के अगेंस्ट में क्या कर सकते कर सकते सकते हो एडजस्ट सबसे पहली बात एडजस्टमेंट अगर आपने, मतलब अगर मतलब आपने ज़्यादा जबरदस्ती उसके टैक्स कलेक्ट करके भर दिया तो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा. <laughs> दूसरा वाला क्या था सर... एडजस्टमेंट कैन बी स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ़ सिक्स क्वार्टरली बेसिस एडजस्टमेंट करता हूं मेरे क्या करना पड़ेगा? में उसको करना पड़ेगा, को एडजस्टमेंट कैन बी डन विदिटरी लिमिट ऑफ वन लाख रुपीज सेंट्रलाइज रजिस्टर्ड आदमी रहेगा तो उसके लिए एक लाख एप्लीकेबल नहीं है Then, part, क्या कर रहे थे हम लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स का डिडक्शन मिलेगा किसी कारण से अगर मैंने वो डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो कहना से उस पर सर्विस टैक्स ज्यादा पे कर दिया है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जिस दिन मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे करूंगा उस दिन से एक साल तक मैं उसको क्या कर सकता हूं एडजस्ट कर सकता हूं दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल एडजस्टमेंट रूल इज इजिंग क्लियर चलो उसके बाद क्या था अपना एयर ट्रेवल एजेंट रूल नंबर तो अच्छा नोटिफिकेशन नंबर रूल नंबर किधर है दिस इज ऑल कवर्ड बाय रूल नंबर ट्वेंटी फोर ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवन 24 oblique 2007 dated 22nd may 2007 आपने लिखा था ना मतलब मैंने लिखवाया रहेगा अच्छा मॉर्निंग बैच अच्छा बैचेस में डिफरेंस हो गया रहेगा नो प्रॉब्लम 24 oblique 2007 dated 22nd may 2007 ठीक है ऐसे भी अगर नहीं भी लिखवाया होता ना तो मैं कल जब टैक्सेबल सर्विस करने वाला उसमें तो वो कवर हो ही जाता था क्या था मैं भूल गया हो उसी प्रकार का यह कंपोजिशन स्कीम है यहां पर यहां पर एक्चुअली वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर भी कंपोजिशन स्कीम है जो मैंने कवर नहीं की वहां पर बिकॉज़ वर्क कॉन्ट्रैक्ट वापिस अपने को एक टैक्सेबल सर्विस करनी है आईपीसीसी वालों को तो उसके अंदर डिटेल में आ जाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का कंपोजिशन ठीक है यहां पर दो लोग इंश्योरेंस एयर ट्रेवल एजेंट को क्या बोला तुम्हारा जो टेन पॉइंट थ्री परसेंट का लाइबिलिटी है

उंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज उसके लिए खाली दो कंडीशन था अगर पूरी तरह से लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा तो नहीं मिलेगा अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितना अदर चीज के लिए कितना अगेन उस चीज पे नहीं मिलेगा ठीक है देन वी कंप्लीटेड पेमेंट वी कम टू वैल्यूएशन पार्ट कम बैक टू सिक्स वैल्यूएशन और कुछ था नहीं ना कम टू वैल्यूएशन कर दो ना, चलो कम टू वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इज डीलिंग विद सेवन सिक्सटी सेवन के ऊपर आता सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स विद रेट ऑफ टैक्स टेन परसेंट ऑफ सर्विस अब सर्विस टेन परसेंट ऑफ सर्विस अब सर्विस का वैल्यूएशन कौन करता है सिक्सटी सेवन पहले क्या होता था पहले ये वैल्यूएशन वैल्यूएशन का झंझट नहीं था सिक्सटी सेवन में खाली इतना लिखा था कंसिडरेशन फॉर अ टैक्सेबल सर्विस इज ग्रॉस अमाउंट चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस रिसीवर फॉर सर्विस इज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड इससे क्या पैदा हो गया एडवांस पे भी क्या लगेगा सर्विस टैक्स मतलब दो हजार छ से पहले एडवांस में नहीं लगता था लेकिन अब क्या एडवांस के ऊपर भी क्या लगने लगेगा सर्विस टैक्स लगेगा नो इतना ही नहीं फिर उसके बाद उन्होंने और बड़ा किया सेक्शन के अंदर काफी रूल्स लेकर आया तो so, सर्विस कैसा कानून तोड़ने का निकालते तो आप कानून तोड़ते हो गवर्नमेंट कानून नया लेकर वेरियस रूल्स एंड वेरियस इन दिस आइटम्स सबसे पहला उन्होंने बोला द दंसिडरेशन इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी पैसे में होएगा सो द वैल्यू विल बी ग्रॉस अमाउंट चार्ज जो भी पैसा रहेगा उस इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ होली और पार्टली इन मनी मतलब पूरी तरह से पैसे में नहीं है या पूरी तरह से कैश में नहीं है तो उसके लिए वैल्यूएशन कैसा होएगा जो भी आएगा इट इज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स